जयपुर गलता तीर्थ विवाद में एक नया मोड़ सामने आया है जब अवधेश आचार्य गलता जी पहुंचे। राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा यथास्थिति के निर्देश के बाद अवधेश आचार्य शाम 4:30 बजे गलता जी में ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम किया और आवास में प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन जिला प्रशासन की टीम ने उन्हें रोक दिया। इस पर गलता परिसर में बने आवास के गेट के सामने अवधेश आचार्य और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। अवधेश आचार्य ने सवाल किया कि 4:30 बजे से पहले उनकी पत्नी, बहू और बच्चों को आवास के अंदर क्यों नहीं जाने दिया, जबकि वे पहले ही वहां मौजूद थे। इस दौरान महाराज की बहू आवास के अंदर रह गई थी, जबकि एक छोटी बच्ची बाहर रह गई थी और रो रही थी। अवधेश आचार्य ने प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध किया कि बच्ची को उसकी माँ के पास जाने दिया जाए। प्रशासन ने बच्ची को अंदर भेज दिया और कहा कि वे कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। प्रशासन ने अवधेश आचार्य की बहू, पोते और पोती को घर के अंदर जाने दिया, लेकिन अवधेश आचार्य उनकी पत्नी और बेटे को घर के बाहर ही रोके रखा। एडीएफ तृतीय राजकुमार कसवा ने कहा कि कोर्ट से मिले निर्देशों की पूरी तरह से पालना की जा रही है। इस विवाद ने गलता तीर्थ के धार्मिक और प्रशासनिक विवाद को एक नई दिशा दी है और अब देखना होगा कि आगामी दिनों में स्थिति कैसे विकसित होती है। वो 4:30 बजे के बाद जब यहाँ मूवमेंट है, ऐसा थोड़ी है किसी को घूमने फिरने से कोई रोक रहा है, लेकिन वो यदि किसी मेरी सूचना पर वो इस कक्ष से बाहर आ गए बच्चे, मेरी धर्म पत्नी, अब उनको वापस नहीं जाने देना चाहते, ये तो गैर अमानवीय, मतलब जो है अमानवीय तरीका जो है वो भी नहीं कोई करता है, लेकिन ये जो है ऐसा जो है चिंतन अगर हमारे इस ऐसी सरकार में जो सनातन की सरकार कहलाती है, यदि वो ऐसा चिंतन रखती है कि वो उसके बारे में नहीं सोच सकती या वो ऐसे निर्देश नहीं दे सकती, तो फिर क्या अर्थ है ऐसे प्रशासकों का और शासकों का। मुझे बड़ी वो है कि जो है ऐसी बात, ना उच्च न्यायालय का कोई ऐसा निर्देश है कि साहब मेरे मकान पर कब्जा किया जाए, मैं जहाँ निवास करता हूँ, कोई आदेश नहीं उसके अंदर, ऐसा कोई निर्देश नहीं है, कोई यहाँ सील नहीं है। आप देखो ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे कोई रोक लगी हो, और सील लगा देते तो उनके लिए तो मतलब दूध भी उपलब्ध नहीं हो पाता। अब वो 3 दिन से यहीं है, सब कुछ है, मैं अपनी प्रक्रिया में लग रहा, अब आज मेरे को भी 2 दिन से मैं सो भी नहीं पाया। अब मैं आज जब वो निर्णय हो गया है, मैं ये आना मेरा स्वाभाविक था, मैं ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए आया। मैंने कहा भाई 4:30 बजे मैं बाहर हूँ, मैं भी समझता था इस बात को कि मंदिर में मुझे नहीं जाने देंगे ये, लेकिन मेरे घर में प्रवेश करने से मुझे रोक रहे हैं। मैं किसी काम से बाहर चला गया तो वापस नहीं आ सकता, ये कितनी विचित्र विडंबना है। मैं जो है मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों के माध्यम से ये बात जानी चाहिए कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति के साथ जिसने अपना पूरा जीवन इस गलता जी के लिए व्यतीत किया, कुछ लोग जो इसको हड़पना चाहते हैं, इसको खा जाना चाहते हैं, उनके प्रभाव में आके अगर शासन प्रशासन इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कोई नहीं। तो मेरे को ये है कि इस तरह से अमानवीय कृत्य अपना रहे। अब वो पत्नी के लिए मैं कह रहा हूँ कि भैया वो बाहर है, उसका एक ऐसा श्वसन तंत्र से वो सोती है, बहू अकेली अंदर है बच्चों के साथ, लेती है सबको पता है कि वो रोगी है, व्यवस्था है। अब ये इसको बाद भी अगर कोई चिंतन नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। और ये ऐसे अगर हमारे यहाँ के अधिकारी लोग अगर इस बारे में नहीं सोच सकते हैं तो फिर कौन सोचेगा? ये कोई गैर देश से थोड़ी आए हैं, तो ये भी सनातनी, इनके अंदर यदि ये चिंतन नहीं गया, और अंदर से आप पूछ लो, दरियाफ्त करो किसी से, वो मेरे साथ आई नहीं, मैं दो सीधा वहां गया, हम 2 लोग वहां गाड़ी से उतरे, सबके इनके लोग देख रहे थे वहां बैठे, तो इनको पता है कि वहां वो यहाँ मेरे साथ में वो नहीं आई है, लेकिन उसको जबरदस्ती एक चीज करके और वहां एक अपना एक प्रतिष्ठा का सवाल बना करके बैठ जाना, ये उचित थोड़ी है।